अब क्या शैतान बीर शिवा को खत्म कर देगा या फिर इमली का प्यार शिवा को बचा लेगा, यह जानने के लिए पार्ट टू का इंतजार कीजिए। इमली बीर को पसंद करती थी, लेकिन बीर एक रोबोट होने की वजह से इमली ने बीर को एक्सेप्ट नहीं किया था। यह बात सोच सोच कर इमली बहुत दुखी हो गई और अकेला बैठकर रो रही थी। बीर, तुम मेरा बचपन का दोस्त हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह चाहता हूँ और एक दोस्त की तरह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी वहाँ शिवा आता है। कैसे हो मेरी जान? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे तुम रो क्यों रही हो? शिवा, मैं बीर के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं बीर के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ बिना उससे शादी करके। तो मेरा क्या होगा? आई एम सॉरी शिवा, मुझे माफ कर देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो चलो इमली बीर से मिलकर आते हैं। अब शिवा और इमली बीर से मिलने के लिए सीधा बीर के घर में आता है। दादाजी, बीर कहाँ है? पता नहीं इमली, बीर पिछले 3 दिनों से घर नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो लगा बीर तुम्हारे साथ है, लेकिन अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। दादाजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जाकर बीर को ढूंढते हैं। अब शिवा और इमली बीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए।